छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खड़ा हूँ। यह शिवनाथ नदी है। और ये इलाका आप देखिए, यहाँ पे किस तरह से ईंट भट्टे में काम करने वाले लोगों के झोपड़ी डूब चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के नदी नाले इस वक्त उफान पर है। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खड़ा हूँ। ये शिवनाथ नदी है और ये इलाका आप देखिए, यहाँ पे किस तरह से ईंट भट्टे में काम करने वाले लोगों के झोपड़ी डूब चुके हैं। लगातार शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और लगातार पानी का लेवल बढ़ने से आसपास के जो गांव है वह डूबते जा रहे हैं। लोग वहां से अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, यहाँ पे ईंट भट्टे का काम चलता था, यहाँ पे ईटा रखा हुआ है, यहाँ पे झोपड़ियां भी थी, यहाँ पे मजदूर भी थे, लेकिन शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ा और इस ओर पानी आने की वजह से सब लोग यहाँ इस इलाके को छोड़ के चले गए हैं। झोपड़ियां डूब गई है। इधर आप देखिए, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे और भी लोगों का घर है, लेकिन आने वाले समय में शिवनाथ नदी का जल स्तर और बढ़ेगा और हो सकता है कि ये जो इलाका है ये भी डूब जाएगा। हालांकि इसको देखते हुए प्रशासन और जिला प्रशासन और SDRF की टीम अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन ने शिवनाथ नदी के सटे गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। उसका पीछे यही मकसद है कि आने वाले दिनों में शिवनाथ नदी का जल स्तर और बढ़ेगा और आसपास के जो डुबान एरिया है, झोपड़िया है, वह गांव भी डूब सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज़।